तो हम अगला पॉइंट ये तो समझ रहे हैं कि दो और दो से ज्यादा कंपाउंड है लेकिन क्या चीज चेंज है वो है फंक्शनल ग्रुप तो अब एक बार बताओ ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो एक दूसरे के लिए फंक्शनल का आइसोमर्स का काम करेंगे भाई दोनों में सेम ऑक्सीजन दिखनी चाहिए या सेम जो भी दिखना चाहिए तो क्या मेरा ये ओ एच OH किसके साथ फंक्शनल आइसोमर्स करेगा केस फर्स्ट आपको क्या लगता है किसके साथ करेगा ऑब्वियसली सही है अगर यहां पर सपोज तीन कार्बन है, है यहां पर उतने ही कार्बन टोटल हो जाए दस ईथर हो गया तो एक तरह से देखा जाए तो एल्कोहल ईथर के साथ एल्डिहाइड, कीटोन के साथ एमीन वन डिग्री एमीन टू डिग्री एमीन के साथ टू डिग्री एमीन थ्री डिग्री अमीन के साथ यानी सब आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ तो ये हमारे पास कुछ केसेस बन रहे हैं जिनका ध्यान रखें सही है तो इन दोनों को अगर हम बात करें कि भाई हाँ ठीक है तो ये हमारे लिए पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ कौन सा आइसोमेटिस शो कर रहा है अब आपको मुझे ये बताना है कि मेरे पास कोई कंपाउंड है और ओ सी एस थ्री है इसका इसके कितने आइसोमर्स होंगे फंक्शनल तो ये हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच तो मैं आपसे एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जाम्पल ले रहा हूं अब ये एग्जाम्पल गए ये इसके कितने आइसोमर्स होंगे इसका कोई फंक्शनल आइसोमर्स बताओ तो आपने एफ आई इसका ये बता दिया सी सिक्स एक और एग्जाम्पल में ले रहा हूं फाइन टोटल नंबर ऑफ टोटल कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट बाय मतलब मेरे पास है चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पहले ये बताओ आप कि ये एक एल्डिहाइड है या कीटोन है या ये अल्कोहल है ये अल्कोहल नहीं है क्यों नहीं है अल्कोहल होता सी प्लस टू ओ होता ये एक तरह से देखा जाए इन और ओल यानी कि एक डी है तो या ये क्या बनने की कोशिश करेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन तो आंसर आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आपके पास हो गया सी एच ओ पहला एक दो तीन चार अब चाहो तो देख लो तीन दो पांच छह सात आठ नौ और एक दस तीन दो पांच छ सात एक दो तीन चार अपने कार्बन ज्यादा ले लिए तीन दो पांच छ सात और एक आठ हो गया अगर आप ये पहला बनाते हो तो दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो चार ही तो कार्बन लेने ये अभी आप सिर्फ एल डी आईट बना रहे हो अब अगर कम करते हो तो ये यह यहाँ एल नहीं बनेगा फिर कुछ और आप कर ही नहीं पा रहे इससे ज्यादा कम तो अगला क्या हो जाएगा फिर कीटोन ऐसे बनाओगे आप कैसे ज्यादा कम कर सकते हो आप नहीं तो आपका आंसर होगा एक दो और तीन अगर कार्बोनाइल पूछा है तो ये तीन आपका आंसर आ रहा है लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा तो टोटल पॉसिबल कंपाउंड तो बहुत ज्यादा आ जाते फिर तो आपको सोचना और भी पड़ जाता फिर आंसर अभी तो तीन है क्या तीन से ज्यादा दिख रहे हैं आपको नहीं दिख रहे अगर आप और ज्यादा कंपाउंड देखते तो आप इसको ऐसे देख सकते थे फिर तो बहुत सारे हो जाते ये इनोज ये हो जाता इनोज ये हो जाता इनोज ये तो एक के हैं, ऐसे बहुत सारे बनते चले जाते हैं जी यहाँ की जगह यहां होता है यहां होता यहां होता बन गए इनोज ये तो अभी शुरुआत है ईथर साइक्लिक ईथर थर ठीक है तो ऐसे बनते जाएंगे इसलिए हमने इसमें कार्बोनाइल बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया कुछ समझ में आया तो ज्यादातर मैं आपको ऐसे ही परेशान कर सकता हूं